हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप आज हमारे टॉपिक का नेम है स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस दी ममेलियन हप्लाइड स्पर्मेटिड इज अ राउंड अनफेजुलेटेड सेल कहते हैं कि स्पर्मेटिड जो होता है वो हप्लाइड होता है राउंड होता है अनफेजुलेटेड सेल है इसके पास फ्लैजेला नहीं होता देन स्पर्म अंडरगोस स्पर्मियोजेनेसिस इसके बाद स्पर्म जो होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है

तो पहले स्टेप में हमने बात की कि क्या होगा जो होगा वो क्या बनाएगा दूसरे स्टेप में हमने बात की जो सेंट्रिय होगा उससे फ्लेजेला बनेगा ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस न्यूक्लियस फ्लैटन एंड कंडेंस कहते हैं कि लास्ट स्टेज में क्या होता है न्यूक्लियस फ्लैटन एंड कंडेंस कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है The remaining cytoplasm is discarded. जो 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 बचता है है। है? है। वो हो जाता जो जो होगा उसकी बेस पे क्या करता है? लेता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये स्पर्मेटिड है जो कि राउंड है और अप्लाइड है और इसके पास फ्लेजेला मौजूद नहीं है माइटोकंड्रिया प्रेजेंट है

स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं स्पर्म स्पर्म के तीन पार्ट्स होते हैं एक हेड मिडपीस और टेल हेड में क्या होता है एक्रोसोमल कैप प्रेजेंट होती है इसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस हो गया होता है वो यहाँ पे नेक है यहाँ पे शीट है जो नजर आ रही है ये वाली यहाँ पे जो होगा क्या है मिड इस सारे स्ट्रक्चर सा का हमने नाम रखा हुआ है और यहाँ पे ये यह क्या है टेल थैंक यू अल्लाह हाफिज़